हम लखनऊ निवासी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। भगवान का रथ, जिसको भगवान ने अपने रथ के रूप में चुना, गुलजार दादी जी। तो लखनऊ की सेवाओं की शुरुआत गुलजार दादी जी के द्वारा हुआ। जब हमें लखनऊ में सेवाओं के लिए भेजा गया, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझती हूँ। जिस स्थान में दादी गुलजार जी रह करके सेवाएं की, उस स्थान में बड़ी दादी प्रकाशमणि जी ने हमको सेवाओं के लिए भेजा, तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली। तो ऐसा स्थान जहाँ मम्मा बाबा रह करके गए, दादियां रह करके गई, उस स्थान में रहना, उस स्थान से सेवा का सौभाग्य, और आज उन्हीं के सेवाओं का फल, उनके त्याग और तपस्या का फल, आज लखनऊ में बेहद की सेवाएं हो रही। मैंने दादी जी को एक प्यार स्वरूप, न्यारा और प्यारा स्वरूप, हम बड़े प्यार से दादी जी को कहते थे, दादी जी हम आपके सेंटर से आए हैं। दादी जी को जरूर याद रहता था, हाँ सेकेंड फ्लोर पे ऊपर चढ़ करके जाना हो, वहां पे मैंने कहा दादी जी, तो हजरतगंज सेंटर को अक्सर दादी जी याद किया करती थी। दादी जी का त्याग और तपस्या, पुराने पुराने लखनऊ के भाई बहनों से जब हम मुलाकात करते थे, वो दादी के बारे में यही सुनाते थे, बहुत ही त्याग और तपस्या, और बिल्कुल मौन, बहुत कम बोलते थे दादी। कोई भी चीज की इच्छा आशा चाहिए शब्द हमने दादी के मुख से नहीं सुना, ये यहाँ के भाई बहने। और इतनी त्याग तपस्या, कभी भी इतना लंबा चल के जाना, सेवा करना, हमें कुछ सुविधा चाहिए, कई बार हमने ये भी सुना चाय ठंडी रहती रहती थी, कभी ये नहीं चाहती थी कि दोबारा हमारा गर्म करके दे दो चाय। इतना दादी के अंदर त्याग की भावना थी। तो ऐसे दादी के बचपन में दादी ने यहाँ के फुलवाड़ी को सींचा। उस समय दादी बाबा का रथ तो नहीं थी, लेकिन गुलजार दादी के द्वारा नींव डला हुआ लखनऊ का स्थान। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे यहाँ होते हुए दादी जी 2009 में लखनऊ में आना हुआ, तो दो दिन दादी जी के अंग संग में रहने का मुझे सौभाग्य मिला। हम तो कहेंगे सिद्धि पुरुष है, हमने तो इनके कई चमत्कार देखे। दादी के अंग संग में रहकर, दादी जी की दिव्य तपस्या की छवि को देखकर, दादी जी की प्यार भरी वो शक्तिशाली दृष्टि से क्या मैंने देखा। अचानक उस समय में भी बारिश का मौसम नहीं था, एक रेलवे ग्राउंड में हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष में हजारों लोगों को निमंत्रण दिया हुआ था, तो बेहद का कार्यक्रम। सब कुछ तैयार होने के बाद एक दिन पहले मूसलाधार बारिश, पूरे ग्राउंड में पानी भर गया। हमने सोचा कार्यक्रम कैसे होगा, कल तो दादी जी को आना है। तो एक तरफ से जरूर हमें थोड़ा संकल्प चला, लेकिन इन तपस्वियों के आगमन का चमत्कार मैंने इन आंखों से देखा। जैसे ही दादी जी की फ्लाइट इस धरती पे लैंड किया, एकदम ऐसे लगा जैसे बारिश सारी गायब हो गई। इतना सुंदर सुहावना मौसम छा गया, थोड़ा बहुत पानी वानी तो ठहरा था, लेकिन माहौल इतना सुंदर हो गया, सुहावना मौसम। शाम को जो कार्यक्रम होना था, एकदम खचा खच भरा पब्लिक, सब लोग कहने लगे, दीदी अगर बारिश ना आती तो हम पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो शायद ये बारिश पब्लिक को कंट्रोल किया, जितनी हमने व्यवस्था की थी उसी व्यवस्था के अनुरूप पब्लिक आई, और सब ने दादी जी के आगमन पर उनके दिव्य दृष्टि, दिव्य बोल, वरदानी बोल का अनुभव किया। उसके पश्चात हम सब टीचर्स बहनों ने भी जितनी देर दादी रही,
आत्मचिंतन भवन में चमत्कार के रूप में दादी देखा। बाबा के कमरे में पंखे भी चल रहे हैं, दिए भी जल रहे हैं, आश्चर्य की बात। और दिए भी बड़े प्यार से, वो भी लग रहा था प्रकृति पति का आह्वान कर रहे, महान विभूति का आह्वान कर रहे। पंखा और दिया एक साथ सुंदर तरीके से जलते हुए इस अद्भुत दृश्य को हमने देखा। और दादी इतनी निर्माणता की मूर्त, महान से महान होते हुए भी इतनी सरलता, इतनी मधुरता और इतना हरेक के प्रति एक रिगार्ड और रिस्पेक्ट। उम्र में हम इतने छोटे, हर चीज में हम छोटे, लेकिन दादी इतना रिगार्ड दे करके, रिस्पेक्ट दे करके जो बात कर रही थी, तो हमने कहा भगवान ने देखो दादियों को कैसे बनाया है। उनकी उपस्थिति हमें भी जीवन में प्रेरणा दे करके गई। तो दो दिन दादियों के अंग संग रह करके दादी जी का न्यारा और प्यारापन, बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने पीने की बड़े प्यार से बहनों ने बनाया था। एक बार भी दादी की कहीं दृष्टि नहीं गई। दादी को इतना प्यार से हमने श्रृंगारा था, एक बार भी अपनी ओर उन्होंने नहीं देखा मेरा श्रृंगार क्या है। ये सूक्ष्मता से हम चेक कर रहे थे कि कैसे दादी ने तपस्या करके अपने अंदर न्यारा और प्यारापन, एक बाबा ही बुद्धि में समाया हुआ था, बुद्धि में बाबा के अलावा और कहीं भी कुछ भी, कितनी भी संख्या हो, कितना भी कुछ हो, दादी जी को हमने नजदीक से देखा, एक बार भी ये क्या है, ये कैसे है प्रश्न भी नहीं पूछा। तो ऐसे दादी जी विभव गुणों की खान और उनके अंग संग रहने का सौभाग्य। और जब दादी जी दूसरे दिन जब वापिस लौटी, प्यारे भाई बहनों, विचित्र, जैसे दादी जी ने पैर उठाया फिर से झमाझम बारिश शुरू हो गई। तो हमने इन प्रकृति पतियों को देखा, कैसे प्रकृति पति आत्माएं आ जाती हैं तो प्रकृति भी पूरा सहयोगी बन जाती है। कैसे बाबा के इस बेहद के कार्य को सहज रीति से सफल किया। समय प्रति समय हम लोग दादी जी के पास माउंट आबू में शांतिवन में भी मिलते रहे, बॉम्बे में भी जा करके दो बार दादी जी से हमने मिलन मुलाकात की। तो मधुबन में शांतिवन में जब मिलते थे, बड़े प्यार से दादी जी ने राखी बांध करके, मुझे लगता है कि वो लास्ट था, दादी ने अपने हाथों से राखी भी बांधी और इतनी दिव्य दृष्टि दे दी। आज वही शक्ति हमारे काम आ रही है और इसी संकल्प को लेकर के हम लोग यहाँ लखनऊ में उनका ही यादगार स्वरूप गुलजार उपवन का भी निर्माण कर रहे हैं। तो जैसे गुलजार उपवन का बाउंड्री वॉल हमें ऐसी भासना आती है, दादी जी का यादगार भी है और दादी जी के कर्तव्य की याद दिलाने वाले दादी जी का वो अव्यक्त रूप का भासना वहाँ आने से प्रवेश हो जाए, ऐसी अनुभूति का स्थान हम बनाएंगे और बना भी रहे। कार्य चल रहा है, मैं रोज अनुभव करती हूँ हमारी प्यारी आदरणीय श्रद्धेय गुलजार दादी जी हमारे गुलजार उपवन में रोज चक्कर लगाने के लिए आती है। और दादी जी का समय प्रति समय हम सबको प्रेरणाएं भी देते रहती है और दादी जी के शुभ वाइब्रेशंस को हम फील करते हैं। तो मैं ये आदरणीय दादी जी का क्या गुणगान गाऊं, गुणों की वो खान थी जिन्होंने भी दादी जी को देखा और जो जो वीआईपी हमारे संपर्क संबंध में थे आए थे, तो दादी जी की दृष्टि से ही कईयों ने कोर्स करके आज बाबा के बच्चे बन करके बाबा के कार्य में मददगार बने हुए हैं। तो ऐसे उनकी दृष्टि ही कमाल का कार्य करती थी, उनकी दृष्टि ही सृष्टि को परिवर्तन करने वाली थी। ऐसे प्यारी मीठी हमारी गुलजार दादी जी को हम सभी लखनऊ निवासी सदैव याद रखेंगे। और जब दादी जी का अंतिम जब शरीर छोड़ा, वो भी देखेंगे ड्रामा, उस दिन हम गुलजार उपवन में ही थे, उस समय प्यारे बाबा को शिवरात्रि के निमित्त भोग लग रहा था। हम सब भाई बहने लखनऊ वाले इकट्ठा होकर के
एक साथ स्टेज पे थे, उस समय भोग लग रहा था, तो ऐसे समय पर ही हमें समाचार मिला दादी जी ने अपना पुराना वस्त्र त्याग किया। लेकिन हमको ऐसी भासना आ गई कि दादी हमारे अंग संग में है, दादी हमारे साथ में है। प्यारे भाई बहनों, आज भी हम दादी जी को उनके गुणों, उनका प्यार, उनका स्नेह, उनकी शिक्षाएं, उनकी मधुर छाप आज भी साथ की अनुभूति कराती है। तो ऐसे महान विभूति जो कि लखनऊ में रह करके हम सभी लखनऊ निवासी स्वयं को लकी अनुभव करते हैं, तो ये मेरा दादी गुलजार जी के साथ का अनुभव है। ओम शांति, ओम शांति।